मुंबई की 5 खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर, मुंबई में सांसों के डोर को काटने वाले पतंग मांझों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, मुंबई में अभी भी काफ़ी धड़ल्ले से मकर संक्रांति को देखते हुए नायलोन मांझे की विक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। आपको बता दें, मुंबई का सबसे प्रसिद्ध जो पतंग का बाज़ार है नागपाड़ा, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो है ये मांझा बेचा जा रहा है, जिसको लेकर भाईखल्ला, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, मदनपुरा, जोगेश्वरी, कुरला, देवनार, चेंबूर, मानखुर जैसे इलाकों में कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल ही में हमने एक सिपाही को खो दिया था। अब ये देखना है कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। दूसरी खबर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के उद्घाटन में आए हुए 1.5 लाख लोग, जिसमें से 1300 लोग जो है बीमार पड़ गए। जिन 1300 बीमार पड़े हुए लोग हैं उनको लेकर जो अधिकारी, उन्होंने बताया कि सब सामान्य है, किसी भी तरीके का कोई बीमारी से इसे जोड़कर ना देखे। सामान्य बीमारी थी, खांसी सर्दी, ऐसे नॉर्मल बीमारी ये 1300 लोगों को हुआ है। तीसरी खबर साकी नाका से है, जहाँ पर साकी नाका में यादव नगर है, और इसी यादव नगर पर जो विधायक दिलीप लांडे हैं, उन्होंने अपने हाथों से और उनके प्रयासों से एक मदरसे का निर्माण किया, जिस निर्माण में अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार भी मौजूद रहे, और उनके हाथों से इसका उद्घाटन होते हुए दिलीप लांडे ने कहा कि साकी नाका में स्कूल सड़क के तमाम निर्माण कार्य तो किए गए, लेकिन उसी में अब जो है मदरसे का निर्माण, और सरकार जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है, उन्होंने ये एक उदाहरण देते हुए इस मदरसे का उद्घाटन किया। चौथी खबर मुंबई के अंधेरी से, जहां पर अंधेरी में कॉल सेंटर पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो लगभग ये फर्जीवाड़ा कॉल सेंटर जो है उसका भांडाफोड़ हुआ। लगभग 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इनके पास से जो है तमाम सामग्री को जब्त किया है। आगे इस पूरे मामलात को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पाँचवीं खबर BMC क्लीनअप मार्शल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, मुंबई में फरवरी के महीने से क्लीनअप मार्शल फिर से तैनात किए जाएंगे। लगभग BMC ने बताया कि 24 वार्डों में ये तमाम क्लीनअप मार्शल जो है तैनात रहेंगे, और प्रत्येक वार्ड में 30 से 35 क्लीनअप मार्शल होंगे। 200 से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा, और ये क्लीनअप मार्शल जनवरी से सड़कों पर आते हैं और लोगों को ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई का वापस स्लोगन दिलवाते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक न्यूज़ के साथ।